जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ओपन चैनल फ्लो के बारे में और इसका प्रिंसिपल के बारे में। ये ओपन चैनल फ्लो का फर्स्ट पार्ट वीडियो है और सेकेंड पार्ट वीडियो आने वाला है, तो अब तो दोस्तों सेकेंड पार्ट वीडियो जरूर देखेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ, जहाँ पे फ्लो वर्ड आएगा वहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई होगा वर्नौली इक्वेशन। तो वर्नौली इक्वेशन क्या होता है? तो वर्नौली इक्वेशन होता है P1 by gamma plus V1 का square upon 2G plus ZZ1। ये होता है वर्नौली इक्वेशन। अब आते हैं ओपन चैनल फ्लो में। तो ओपन चैनल फ्लो को मैं आपको इस एक बेस्ट एग्जांपल के साथ आगे जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये एग्जांपल डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे। एग्जांपल है रिवर और कैनाल का। इसमें से जो वाटर का फ्लो होता है उसी को बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो। और इसको हम लोग सिंपल वे में बोल सकते हैं फ्लो विथ अ फ्री सरफेस। इस दोनों एक ओपन चैनल फ्लो। तो अब आता है वर्ड इसमें फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस क्या होता है? फ्री सरफेस ये होता है जो जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है, दैट मीन्स टाउ इक्वल टू जीरो। इस दोनों एक फ्री सरफेस। और इसमें नॉर्मल स्ट्रेस कॉन्स्टेंट रहता है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, टॉप मोस्ट लेयर में टोटल एनर्जी लाइन में प्रेशर कॉन्स्टेंट है। तो आगे देखते हैं। तो हम लोग सिंपल वे में बोल सकते हैं इसको, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड फ्यूल मैकेनिक्स। इट इज ए टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो विथ अ फ्री सरफेस, इज नोन एज ओपन चैनल फ्लो। तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ फ्री सरफेस क्या होता है। फ्री सरफेस ये होता है जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है, टाउ इज इक्वल टू जीरो, और नॉर्मल स्ट्रेस कॉन्स्टेंट होता है। अब आता है मेन बात कि चेजी फार्मूला के बारे में। तो चेजी फार्मूला आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करें, मैं उस पर भी आपको स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो अब आते हैं चेजी फार्मूला में। चेजी फार्मूला का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है। तो चेजी फार्मूला क्या होता है? चेजी फार्मूला होता है V=C√MI। वी होता है वेलोसिटी और सी होता है चेजी कॉन्स्टेंट और एम होता है यहाँ पे हाइड्रोलिक मीन डेफ्ट और आई होता है स्लोप। स्लोप को होता है dy/dx=0, इसी को बोलते हैं स्लोप। अब आते हैं इसके पार्ट पे। तो ओपन चैनल का दो पार्ट होता है, नेचुरल चैनल और आर्टिफिशियल चैनल। नेचुरल चैनल होता है इरेगुलर शेप, एग्जांपल फॉर रिवर, और आर्टिफिशियल चैनल होते हैं रेगुलर शेप, एग्जांपल हो गया ड्रेन। और हम लोग इसका सिविल इंजीनियरिंग में हमेशा वाटर का ही यूज आता है हमेशा। तो अब आगे देखते हैं इसका शेप और साइज। तो दोस्तों ओपन चैनल फ्लो में बहुत तरह का शेप साइज होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन ट्रेपोजोडियल शेप एंड सेकेंड स्क्वायर शेप एंड थर्ड वन रेक्टेंगुलर शेप। तो मैं आपको ये सब सेकेंड पार्ट वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन के साथ विद फिगर बताऊंगा। तो सेकेंड पार्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो आते हैं इसके कुछ डेफिनेशन पे ओपन चैनल फ्लो का। तो ये होता क्या है? डेट ओपन चैनल फ्लो विद फ्री सरफेस एंड जनरली द फ्री सरफेस इज एक्सपोज टू पी एटमोसफेयर इज नोन एज ओपन चैनल फ्लो। और द फ्लो मस्ट बी क्लासीफाइड एज ओपन चैनल फ्लो इफ द लिक्विड हैज ए फ्री सरफेस इज ऑल्सो नोन एज ओपन चैनल फ्लो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत होगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। कीप शेयरिंग, कीप लविंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर लेटेस्ट वीडियो ऑफ माई चैनल। थैंक यू सो मच।